हेलो दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए न जाने लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको इन टॉप 10 सक्सेस टिप्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर जो सक्सेसफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यह टिप्स इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी की वीडियो से ली गई है, जिन्होंने काफी लोगों की जिंदगी में कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो से जानेंगे टॉप 10 टिप्स जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगी। रूल नंबर 1, डोंट वेस्ट टाइम। एक बार समय जो बीत जाता है वह दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। अपने समय का सदुपयोग करो, समय बहुत कीमती है, इसको वेस्ट न होने दे। संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि कभी भी खाली नहीं रहना, कुछ ना कुछ करते रहना है। नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अगर आप कोई काम करते हो और अगर आपको उस काम में सक्सेस ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम को छोड़ दो, बल्कि आप देखो कि मैंने जो काम किया है इसमें कोई गलती तो नहीं है। अच्छे से अपनी गलती को देखो, सर्च करो और फिर से उस काम को करने का प्रयास करो, क्योंकि एक बारी में कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप सीखने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज आएगी और आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाओगे। रूल नंबर 3, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप कोई काम करते हो और उसमें गलती हो जाती है तो आप निराश न हो। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं कि गलतियां करो पर अपनी गलतियों से कुछ सीखो, और अगर आप कोई सही काम करते हो तो उस काम से कभी चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, मैंने यह सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और कोई नहीं कर सकता था। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कहीं पर टॉप कर दिया किसी पेपर में, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर ईगो आ जाए। अपने ईगो को कभी मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। रूल नंबर 4, अडैप्ट टू चेंज क्विकली। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आपको दुनिया के साथ ग्रो होना होगा। भारत देश आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। भारत देश पहले की तरह नहीं रहा, इसमें अब काफी तेजी से क्रिएटिविटी हो रही है, और जो व्यक्ति इस न्यू क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को चेंज कर ले, मतलब इस क्रिएटिविटी को खुद यूज करना शुरू कर दे, तो वह लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए अपना पहला स्टेप रख देगा। रूल नंबर 5, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। आपको जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, जिंदगी के मजे लेने चाहिए। यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खुश रहना चाहते हो या फिर दुखी। एक व्यक्ति जो महल में रह रहा है फिर भी वो खुश नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और वो बहुत खुश है, खूब नाच रहा है। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो व्यक्ति मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का नेचर है फिर उसको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि आपको अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है। रूल नंबर 6, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। आपको अपनी इंटेंशन सही रखनी है, ऑनेस्टी यह सबसे जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल में इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपकी बोली की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर, खराब नहीं है, तो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, कहेगा कि हाँ यार ये बंदा है ना, ये इन सारी टेक्निक को यूज तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। रूल नंबर 7, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नजरिए की बात होती है। जैसे किसी के लिए प्राइवेट जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब, और किसी को छोटा काम करने को दे तो उसको वो काम करने में बेइज्जती फील होती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, एक कबाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति भी करोड़पति या अरबपति बन सकता है, बस नजरिए की बात है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं यह वो व्यक्ति जो लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं, उनकी नजर औरों से बहुत अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या करते हैं, वो बस सोचते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, वो यह नहीं सोच पाते कि हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। रूल नंबर 8, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। लोग यह समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तभी होंगे लाइफ में जब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पर नहीं चलेंगे। लोग करते सब कुछ है, सक्सेसफुल लोग सारे गलत काम करते हैं और आपसे ज्यादा करते होंगे, पर फर्क क्या है, वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने सही काम को। रूल नंबर 9, बिलीव इन योरसेल्फ। यह इतना जरूरी नहीं कि आप क्या बोल रहे हो औरों को या बाहर से दुनिया को क्या दिख रहे हो कि मैं तो यह करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं यह कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो, यह सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्कि इम्पोर्टेंट यह है कि जब आप अकेले में हो तब आप अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आपके अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे
बारे में सोचते हो वैसा ही आपके साथ में होता है। फिर उसी लेवल के आपके एक्शन होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। रूल नंबर 10, नेवर गिव अप। आपका जो काम करने का मन हो आपको वही काम करना चाहिए, पर अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और उस काम में सक्सेसफुल हासिल करके दिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपने सोचा कि आपको एक फेमस कॉमेडियन बनना है, किसी का बाप भी आपको फेमस कॉमेडियन बनने से नहीं रोक सकता। सामने वाला बोलता है कि कॉमेडियन बनने में तेरे को कैसे नहीं रोक सकता, मैं हंसूंगा ही नहीं। फिर आप बोलते हो कि मैं कोशिश करूंगा, मैं एक बार फेल हो जाऊंगा, दो बार फेल हो जाऊंगा, 1000 बार फेल हो जाऊंगा, 1001 बार में ऐसी एंट्री मारूंगा कि आपको हंसते हंसते लोटपोट कर दूंगा। तो दोस्तों, इस उदाहरण का यही मतलब है कि कभी हार मत मानो। और अगर आप संदीप महेश्वरी जी की यह पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।